तौर पर टीवी पर आकर हमारा समाज दीन मजहब के खिलाफ जो बातें कह रहा है या कर रहा है हम उस पर ब्रेक लगा। नांदेड़ में अलफिदा एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से सीरत क्विज मुकाबले मुनक्किद किए गए जिसमें सैकड़ों तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। कोऑर्डिनेटर अब्दुल बशीर माजिद ने बताया कि क्विज में अच्छे निशानात हासिल करने वाले तलबा तालिबात को नकद इनाम दिए जाएंगे। एजुकेशनल एंड रिसर्च अकेडमी की जानिब से एक सीरत क्विज मुनक्किद की गई एग्जाम जो 3 दिनों तक जारी रहने वाला है, तो यहाँ हमारे साथ उसके कोऑर्डिनेटर अब्दुल बशीर सर मौजूद हैं और सभा मैडम भी है। तो सर इसके डिटेल्स, ये कितने बच्चे इसके एग्जाम दे रहे हैं और कहाँ कहाँ सेंटर हैं जरा बताइए। नांदेड़ में तकरीबन 43 सेंटर कल के थे और 3 से 26 सेंटर्स हैं और कल की तादाद 6000 बच्चों की थी। 6000 बच्चों ने जो है ए ग्रुप और बी ग्रुप का एग्जाम दिए और आज तकरीबन 4 से 5000 बच्चे इस सी ग्रुप में जो है एग्जाम में बैठे हैं और कल का एक ग्रुप डी ग्रुप जो ओपन ग्रुप है, मतलब जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज या ओपन ग्रुप है, कोई भी जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो जुमला 15 से 16000 बच्चे नांदेड़ से शहर से एग्ज़ाम जो है दे रहे हैं। 24, 25, 26 3 दिन ये जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल था। माशाल्लाह अच्छे पैमाने पे ये एग्ज़ाम अपन फिला की तरफ से अरेंज किया गया है और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से ये एग्ज़ाम हर साल होते रहेंगे। मुकाबले सर ये मौजूद है तो मैडम ये बताइए कि इसमें लड़कियाँ भी पार्टिसिपेट हो रही और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की लड़की? इस एग्जाम में बहुत सी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और सी ग्रुप के 6 से 10 तक हैं, इसमें ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। और बी ग्रुप में? बी ग्रुप में भी लड़कियां लड़के दोनों भी हैं और इसका ग्रुप एग्जाम इंशाल्लाह कल होके। ये कहा जा सकता है कि अलफिदा एजुकेशनल एंड रिसर्च अकेडमी की जानिब से नौजवान नस्ल को दीन से आरास्ता करने के लिए जो कदम उठाया गया है ये न सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि काबिल मुबारकबाद भी है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद अल्ताफ, मुंसिफ टीवी। कर्नाटक की भालकी